हाँ जी, तो कैसे हो आप? आज से हम एक नया सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो ये लगभग हम 20 से 25 दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक रिवीजन टाइप में स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग हम 1600 से स्टार्ट करते हैं, 16th सेंचुरी से। 1599 में क्या हुआ कि लंदन के कुछ लोग लंदन कंपनी के नाम से भारत में आते हैं। फिर आने के बाद उन्होंने 1600 ईस्वी में क्या किया कि लास्ट महीनों में उन्होंने जो भारत से जो व्यापार करने का राजपत्र है, या जो उस टाइम रॉयल चार्टर जिसको बोलते थे, वो प्राप्त कर लिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो भारत के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो केंद्र है वो शक्तिहीन हो गया है, तो उन्होंने जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1757 में प्लासी के युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों ने किसको हराया, सिराजुद्दौला को हराकर, और जो कंपनी है उसने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर क्या हुआ, 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है जिसमें कंपनी जीत जाती है, और उन्होंने भारत के अनेक जो क्षेत्र थे बिहार साइड के, बिहार और बंगाल जो भी साथ में थे, तो वहाँ पे राज करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ राजपत्र या फिर रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह निकालने स्टार्ट किए। क्यों किए? क्योंकि उन्होंने जो राजनीतिक सत्ता थी वो चलानी थी, राजनीतिक शासन चलाना था इसीलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो करें स्टार्ट पॉलिटी। वैसे कुछ तो मना ही कर, रिलेटिंग एक्ट 1773। इसमें मेन मेन क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की जाती है। मतलब ब्रिटेन में जो संसद है वहाँ से इन पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कौन कौन सी तीनों? बम्बई, मद्रास और बंगाल, ठीक है। थर्ड इसमें क्या स्टेप लिया जाता है, थर्ड जो फोर्ट विलियम है यानी कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाने की, या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, करने की बात की जाती है। और ये सर्वोच्च न्यायालय कब बनकर तैयार होता है, 1774 में। और इसके प्रथम न्यायाधीश या पहले चीफ जस्टिस कौन होते हैं, लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है। और इसके जो तीन मेंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तीन मेंबर कौन से होते हैं? एक तो होते हैं लॉर्ड हाइड, एक और सेकंड होते हैं लॉर्ड चेंबर, चेंबर्स या चेंबर्स बोलते हैं जिसको, या फिर और एक लास्ट है, कौन है, लॉर्ड लेमस्टर या फिर लिमेस्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पेट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके दो पार्ट कर दी जाती है, एक तो बन जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और एक हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें जो गवर्नर जनरल है उसकी जो शक्ति है उसको कम कर दिया जाता है, और जो मतलब जो मद्रास और बॉम्बे है वहाँ पे गवर्नर परिषदों की स्थापना की जाती है, ओके। और क्या किया जाता है, जो कंपनी का व्यापार है और जो प्रशासन है उसको अलग कर दिया जाता है, मतलब कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या किया जाता है, जो एग्रीमेंट था 20 ईयर्स का वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और जो अंग्रेज अधिकारियों का जो सैलरी होती है, जो उनका वेतन होता है, वो भारतीय राजस्व से गिन दिया जाने लगता है, ठीक है। और 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1793 को ICS की स्थापना की जाती है, मतलब इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की जाती है, ओके। किसके द्वारा की जाती है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ईसाई कमिश्नरी है वो धर्म प्रचार के लिए भारत में आती है, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया जाता है,
अब सिर्फ कंपनी के पास दो ही मोनोपोली बचती है, मतलब दो ही, वो क्या कहते हैं उसको, मोनोपोली हिंदी में क्या बोलते हैं, एकाधिकार, हाँ एकाधिकार। कौन कौन से एकाधिकार बोलते हैं, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, बस दो ही उसके पास ये मोनोपोली बचती है, बाकी उससे छीन ली जाती है। ठीक है, मतलब अब जो ब्रिटिश लोग हैं वो कोई भी यहाँ पे आकर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं या फिर व्यापार कर सकते हैं। पहले क्या था, सिर्फ ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। ओके, और जो 20 वर्षों का जो एकाधिकार था इसका, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बंद कर दिया जाता है। और इसमें एक और काम होता है, जो 1 लाख रुपए है, मतलब भारतीय राजस्व का 1 लाख रुपए, मतलब भारतीय राजस्व में से 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर लगाए जाने स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो कंपनी का क्या किया जाता है, सेंट्रलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब केंद्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है, और जो इंग्लिश है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है। कब बनाई जाती है, 1835 में। ओके, और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है या फिर जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उस टाइम के, उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मतलब कुछ समझ आया ऐसे, कि जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी पहले, उसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ओके, और इसके साथ साथ एक और काम किया गया, जो अंग्रेज लोग हैं उनको भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया गया। क्या मतलब, वो यहाँ पे भूमि खरीद सकते हैं। ओके, और 1833 में एक और काम किया गया चार्टर एक्ट में, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो दो मोनोपोली बची थी, एक ट्रेड ऑफ टी और एक ट्रेड विद चाइना, तो दोनों को कैंसिल कर दिया गया। अब वो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में ही इंटरफेयर कर सकती थी। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1835। इसमें क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या होता है, जो पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1784 में आया था, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात की गई थी, उसके 24 मेंबर्स थे। ठीक है, तो उनमें से क्या है कि जो 6 मेंबर्स हैं उनको क्या क्या निलंबित कर दिया गया। ठीक है, मतलब अब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सिर्फ 18 मेंबर्स ही बच गए थे। ठीक है, और इसी 1853 में ही ICS की जो लिखित परीक्षा है या फिर रिटन एग्जामिनेशन है उसकी शुरुआत की गई। तो इस टाइम जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इसका जो मतलब, इसको पहले लंदन में कब कब से, 1835 से 1922 तक लंदन में की गई। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इंडिया में कब किया गया, 1923 में। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ICS ऑफिसर कौन है इंडिया का, मतलब जो इंडियन है। और सेकंड क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ICS जो एग्जामिनेशन है वो किसने क्वालिफाई किया। ठीक है, तो ये दोनों आप क्वेश्चन बताइए। इसी के साथ 1853 का जो चार्टर एक्ट है, ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद हुआ क्या हुआ, एक रिवोल्ट हुआ या फिर जो एक रेवोल्यूशन है वो हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद मतलब, इसको ये हिस्ट्री का एक पार्ट है तो उसको छोड़ते हैं एक बार, आगे देखते हैं क्या हुआ। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको समाप्त कर दिया गया, और एक नई पोस्ट जिसको बोलते थे हिंदी में, क्या बोलते थे, भारत सचिव, हाँ भारत सचिव, एक भारत सचिव के नाम का एक पद नया बनाया गया, जो कि काम बैठ गया था लंदन में। और इसको जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कौन देता था, जो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इस टाइप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो
पूरी सत्ता थी या जो उसका पॉलिटिकल सिस्टम था वो सब क्लोज कर दिया गया, वो समाप्त कर दिया गया। ओके, और इसमें एक और किया गया जो मतलब गवर्नर जनरल का पद था या फिर जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल थी उसको चेंज किया गया, उसके मतलब उसके जो रिप्लेस किया वो किसके नाम से किया गया, वॉइस रॉय के नाम से किया गया। मतलब अब जो गवर्नर जनरल है उसको वॉइस रॉय कहा जाने लगा, ठीक है। और जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं वो है कंपनी रूल्स, और अब 1858 से क्या है क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। तो यहाँ मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्राउन रूल के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। हाँ जी, फिर आगे है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ओके, तो इसमें क्या होता है, 1860 में प्रथम भारतीय बजट जो किसने प्रस्तुत किया, जेम्स विल्सन ने, ठीक है। और इसी बजट के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स है उसकी शुरुआत की गई, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ इनकम टैक्स किसे कहा जाता है, ठीक है, आप तो बताना है इसका आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट है 1861 में ही आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई, और 1861 में ही जो भारत के वॉइस रॉय हैं उनको अध्यादेश जारी करने की इजाज़त मिल गई, ठीक है। और 1862 में तीन हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कौन कौन सी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ओके, और 1862 में पोर्टफोलियो कमीशन के तहत, जिस कमीशन के तहत, पोर्टफोलियो कमीशन के तहत लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत का क्या किया, विभागीकरण किया। ओके, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है, तो उस टाइम भारत का वॉइस रॉय कौन था, लॉर्ड डफरिन, जो उसका मतलब कार्यकाल था वो था 1884 से 1888 तक, ठीक है। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में, और मतलब लोकेशन क्या थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ओके, जो फर्स्ट जो अधिवेशन था उसमें कुल 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और इसके जो प्रथम मतलब वो प्रेसिडेंट या फिर जो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अध्यक्ष, वो कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, इसी की बात 1892 में कांग्रेस का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ओके, फिर आता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ओके, तो इसमें क्या किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, मतलब कि जो इलेक्शन है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या किया गया, जो केंद्र है और प्रांतीय व्यवस्थापिका है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है उनके अंदर जो गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंट जो मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या है उनको बढ़ाया गया, और जो व्यवस्थापिका है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है उनको वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने और क्या करने, क्या बोलते हैं उसको, ये तो याद भी नहीं रहता उनको, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर यानी कि उनको प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ओके, फिर 1899 से लेके 1905 तक वॉइस रॉय बनकर आता है लॉर्ड कर्जन, जो कि सबसे बदनाम होता है, ठीक है। इसने इसके कार्यकाल में क्या क्या होता है, 1905 में 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, और इसी के साथ साथ जो रिवोल्यूशन थिंकिंग है मतलब क्रांतिकारी विचारधारा है उसका उदय होता है। इसके साथ साथ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। और मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन होते हैं, आगा खान, ठीक है। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है मुस्लिम लीग की, तो ढाका में, ठीक है। फिर होता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन, कहाँ पे, सूरत अधिवेशन में। ओके, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होती है कांग्रेस, कौन कौन सी, एक तो नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। इसकी जो हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, ये आगे बाद में मॉडर्न
हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं मार्ली मिंटो सुधार 1909, 1909 में, ठीक है। इसके द्वारा क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनको अलग निर्वाचन मंडल दिया गया, ठीक है, और उनको विशेष मताधिकार दिए गए। ओके, फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं। मोंटेग्यू उस टाइम भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, मतलब जो राज्य थे उनमें द्वैत शासन लगाया गया, ठीक है, मतलब दोहरा शासन, ठीक है। और जो चार्टर अधिनियम के कौन सा था, 1793 का, हाँ 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किया गया था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था। तो 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंडियन मतलब रेवेन्यू से छोड़कर वो वापस ब्रिटेन से दिया जाने लगा, ठीक है। और चुनाव पद्धति को लागू किया गया, ये इसमें मेन है, जो चुनाव पॉलिसी है वो यहाँ पे लगाई गई, ठीक है। और एक कमीशन बनाया गया जो कि जो द्वैत शासन लगाया है उसकी समीक्षा के लिए, प्रत्येक 10 साल बाद वो इसकी समीक्षा करने के लिए भारत आएगा, इसके लिए एक कमीशन भी बनाया गया, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, साइमन कमीशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अन्य क्लासों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।